चार दिन हवालात की हवा खाएगा ना, अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। अभी तो सिर्फ कुत्ता कहने पर गुस्सा आ रहा है मुन्ने को, फिर कुत्ते की तरह भौंक कर भी दिखाएगा तू मुझे। और तू जा, शाबाश, इसे ले जाके बंद करो। सर गलती हो गई सर, सर खुदा के लिए सर माफ कर दें सर। बोला ना मुन्ना, माफ कर दिया, शाबाश, तू भी निकल अब खुद यहाँ से, चल। सर रिश्वत देता है? नहीं नहीं सर, ये तो वैसे तू है बड़ा अकलमंद। ले जा इस लंबू को यहां से, अगर इसने एक अल्फाज भी निकाला ना तो इसके साथ तुझे भी बंद कर दूंगा। ये जो तेरे लंबे बाल है ना, ये भी सर पे नहीं रहेंगे, समझ गया? और ऐसी दफा लगाऊंगा ना इस पर तो दुनिया से ही दफा हो जाएगा। क्या फायदा हीरोगरी का, पैसे भी दिए और पिटाई अलग। अबे तू किसने कहा था तुझे, छोड़ा था मुझे, सुबह खुद ही आया था। बेटा आ तो तू जाता मगर अपने पैरों पे नहीं, वो पुलिस है पुलिस। बस रहने दे, अभी इतनी अंधी भी नहीं लगी। अंधी मची है बेटा, तुझे क्या पता हो। अच्छा छोड़, तू जा। मसूद, मसूद, मसूद। हाँ बा। क्या हुआ था कल रात को? क्या हुआ था रात को? मैं कुछ समझा नहीं। अबे दूंगा ना उल्टे हाथ का तो सब समझ में आएगा तेरे। उस बच्ची का तो जीना हराम कर दिया था, वो तो चली गई। अबे क्या मुझे भी घर से निकलवाएगा? और दो चार दिन सब्र कर ले, मैं मर जाऊं तो लड़ता फिर या दुनिया से। अब बताएगा भी बात क्या है या बात ही सुनाता रहेगा? रात को पुलिस वालों ने तुझे क्यों मारा था? ओ देख, थोड़ी बहुत इज्जत बची है उसे तो रहने दे। अबे चैन से जीने नहीं देता तो चैन से मरने तो दे। समझ गया, तुझे उस बाबू ने बताया होगा ना, वो साला कमीना। कमीना नहीं है वो, तेरा सच्चा दोस्त है। अच्छा किया जो मुझे बता दिया, अब दो चार दिन बाहर नहीं जाएगा तू? अब क्या हो गया तुझे, बाहर नहीं जाऊंगा तो कमाऊंगा कैसे, खिलाऊंगा कैसे? ओ भाई भूखा मर लेंगे। देख जान है तो जहान है, बस बता दिया तुझको। अच्छा बाबा नहीं जा रहा, अभी दो मिनट के लिए जाने दे। फिर वही बात। अरे बाबा कोने तक जा रहा हूँ, सलीम के पास अभी आ जाता हूँ। अच्छा सुन, 2 किलो चीनी ले आइयो। पैसे हैं मेरे पास, ले आऊंगा। अच्छा सुन, ज्यादा दूर मत जाइयो। देख अच्छा मेरे बाप नहीं जा रहा। मसूद को शायद अपनी गलती का अंदाजा नहीं था, लेकिन उसके वालिद बहुत ज्यादा डरे हुए थे। ज़माना शनास वालिद ने अपने बेटे को मशवरा दिया था कि वो घर से बाहर ना जाए, मगर घर से कुछ ही दूरी के फासले पर घर जल्द आने का वादा करने वाला मसूद खुद अपने ही वादे का पास ना रख सका। आमिर, आज उसने रास्ते में मुझे रोक लिया, कह लगे भाई वो कैसे हुई थी तलाक? मैंने ला इस तरीके से हुई थी, इसका बाप मुझे देखता हुआ गया कि मेरे बेटे ने पिस्तौल तानी हुई है। ठीक 12 दिन के बाद मेरे बेटे को बुलाया किसी बच्चे के हाथ, वो अंदर से बाहर निकला, पान थूक रहा, बस पान थूका ही है ना, उसने मुड़ के देखा नहीं उसके ऊपर।
16 फरवरी 2011 को हम लोग थाने में मौजूद थे कि हमें फायरिंग की इतला मिली, जिस पे मैं और SHO थाना हम दो अपनी गाड़ियां लेकर उस फायरिंग वाली जगह पे पहुंचे, तो वहां पे पता चला कि यहां पे मर्डर हो गया किसी बंदे का। तो हम उसी स्पॉट पे पहुंचे जहां पे ये फायरिंग हुई थी, तो वहां लाश तो मौजूद नहीं थी, वो शायद हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए थे। तो इसी दौरान जो है मालूमात भी थी लोगों से और ब्लड वगैरह मौके पे मौजूद था, चलीदा खोल थे वो भी हैंडओवर किए हमारे लोगों ने। मोहल्ले की एक बच्ची ने मसूद के वालिद को ये बताया कि कोई उनके बेटे को बहुत ही बेदर्दी से गोलियों से जान बहक करके चला गया है और उसकी लाश पुलिस अपने साथ मोबाइल में ले गई है, लिहाजा वो दीवानावार घर से बाहर निकले। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उनका बेटा इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। और यूं ये केस वसीम अजहर को दिया गया और उन्हें ये बता दिया गया था कि शक इलाका मकीनों को और खुद मसूद के वालिद को पुलिस अहलकारों पर है। इसके बावजूद उन्होंने तफ्तीश का आगाज किया और जब वो वहाँ गए तो ये मकतूल के वालिद हैं, महमूद खान नाम है, उन्होंने थाना शाहफजर कॉलोनी आके FIR कटवाई थी। सिर्फ ये बताया बोला जी वो घर के अंदर मौजूद था कि कोई बच्चा आया, उसने नाम लेकर बोला जी फलां बुला रहा है, और वो उसकी आवाज़ सुन के बाहर निकला, तो इसी दौरान जो है उसने फायरिंग करके उसको हलाक कर दिया। अब बताएगा भी बात क्या है या बात ही सुनाता रहेगा? रात को पुलिस वालों ने तुझे क्यों मारा था? देख, जान है तो जहान है, बस बता दिया तुझको। अच्छा बाबा नहीं जा रहा। इन्वेस्टिगेशन से FIR मिलते ही सबसे पहले हम देखते हैं मौका मुआयना, उस जगह पे जाते हैं जहां ऑफेंस हुआ है, वहां जाके उस ऑफेंस की एविडेंस कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो है कोई गवाह वगैरह है, चश्मदीद गवाह है या कोई और गवाह है, तो उनके बयान वगैरह रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने जाके सबसे पहले खून आलूद मट्टी उठाई और मकतूल का खून जो था वो अभी ताज़ा था, उसको कब्ज़े में लिया और मालूमात वगैरह की लोगों से, क्योंकि ये भी एक शहादत है मेन, उनको कब्ज़े में लिया और गवाहों के बयान वगैरह लिखे जिनसे हमें कुछ काफ़ी मदद मिली।
झगड़े इस नोयत के होते थे कि बात तलाक तक पहुंच जाती थी, और एक दिन तो गुस्से में उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। तो सर, इसकी बीवी से मिला जाए, हो सकता है कोई काम की बात पता चले। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन जो पहले कहा था वो ज़्यादा सही था। पहले क्या कहा था सर? चाय मंगवाने का, चाय मंगवाओ फिर चलते हैं। ठीक है सर। इस तफ्तीश के दौरान सबसे पहले हमने उसकी वाइफ को इंट्रोगेट किया मकतूल की, और उससे जो मालूमात ली उससे हमें पता चला कि मकतूल और उसकी वाइफ ने लव मैरिज की थी आपस में, और इसी दौरान आपस में उनके इख्तलाफात रहे। मुझे तलाक तो पहले ही हो चुकी थी, पर फिर भी मुझे उनकी मौत का बहुत दुख है, क्योंकि बहुत अच्छे लम्हे हमने एक साथ गुजारे हैं। और क्या? और अगर किस्मत साथ देती तो और वक्त भी साथ गुजारते, और शायद खुदा को हमारा इतना ही साथ मंजूर था। आपकी बातों से तो लगता है कि आप दोनों को बहुत मोहब्बत थी। अगर मैं सही हूँ तो फिर आपने तलाक क्यों ली? हाँ, हमारी पसंद की शादी थी, पर मैंने तलाक नहीं ली। अगर घर की लड़ाई झगड़ों में मैंने कभी गुस्से में ये कह दिया मुझे तलाक दे दो, हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, इसका मतलब ये तो नहीं ना। एक दिन ऐसा आ गया कि मैंने घर जब वो डॉक्टर के पास जाना है दवाई लेने के लिए, मैंने बेटा जुमे का दिन है, आज दवाई लेने ना जाओ, दवाई लेने जाओ लेकिन जल्दी आ जाना वापस। कह रहे नहीं मैं अभी जाऊँगी, इसी वक्त जाऊँगी, मुझे कौन रोकेगा, कौन रोकेगा मुझे, जो मैं चीखाऊँ। फिर वो खामोश हो गई है। उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गया हूँ, वो दोनों में अभी अपने कमरे में थे। कोई मेरे ख्याल 15 मिनट गुजरे होंगे इस बात को, उसने बच्चे के मुंह से आवाज़ मैंने सुनी कि मैंने तलाक दी, तलाक 3 दफ़ा उसने ये अल्फाज बोले। आपको क्या लगता है उसे किसने मारा होगा? मुझे नहीं पता। ज़रा जहन पे जोर दें, ऐसा कोई शख्स या ऐसा कोई वाक़या आपके जहन में आए जिससे हमें तफ्तीश में मदद मिल सके। उनका एक दोस्त था बाबू, जो हमेशा उनके साथ रहता था, पैसों के लेन देन में भी उनका हमेशा झगड़ा रहता था, जिससे मसूद बहुत परेशान थे। मसूद को अंदाजा नहीं था बाबू और उसके दोस्त कितने खतरनाक हैं, मसूद को उनसे खतरा था। बाबू, पूरा नाम क्या बताएं? बाबू। तो बाबू रहता कहाँ था? मुझे नहीं पता। मसूद के वालिद आए। ठीक है, भेजो उन्हें। ठीक है सर। एक बात सुनो। जी सर। बाबू ने कुछ बताया? सर वो कहते हैं कि कभी हमारा मसूद से कोई झगड़ा नहीं हुआ, और ना ही पैसों के लेन देन में कभी कोई इख्तलाफात हुआ। ठीक है।
हाँ भाई देखो, मैं इनकी जमानत पर मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे बताए बगैर शहर से बाहर नहीं जाओगे और ना कहीं गुम होगे। अगर चले गए तो समझ लेना सीधा जेल जाओगे। मेरी बात समझ आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी सर, मगर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ सर। बोलो क्या? सर उस रात मैं भी मसूद के साथ था जब उसका पुलिस वालों से पलटा हुआ था, और जब मसूद का कत्ल हुआ मैंने देखा कि क्या तुम सच कह रहे हो? जी जी सर, मैं हल्फिया कह रहा हूँ। यानी पुलिस वाले वर्दियों में थे, असला सरकारी था? वर्दियाँ तो सर पहन रखी थी उन्होंने, बाकी असला मैंने उनके हाथ में नहीं देखा। ठीक है, आप इसे ले जा सकते हैं। ठीक है। थाने जाके मैंने FIR दर्ज कराई है, उन्होंने FIR तो काट ली, काटने के बाद कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने उस टाइम पे भी। ऐसे ही फिर रहे हैं सारे के सारे, किसी एक को पकड़ो, उसके बेटे का पता करो, उनका दोनों का रابطہ क्यों, बच्चे के कपड़े भी पहुंचा रहे हैं, खाना भी पहुंचा रहे हैं, जो उनसे हो रहा है वो लोग कर रहे हैं, उसके साथ रابطہ है उनका, लेकिन उन्होंने कोई मेरी नहीं सुनी। मकतूल तो मरने वाला तो मर गया, अभी उस केस के जो मुदई हैं, उसके वालिद हैं, वो चाहते हैं कि ये फौरी तौर पर बंदा पकड़ा जाए। पुलिस तो अपनी कोशिश करती है, मर्डर चाहे कहीं भी हो या किसका भी हो, उसकी कोशिश होती है कि हम कातिल को पकड़ें ताकि हमारी प्रोग्रेस हो। इसी वजह से शायद उनको ये एलिगेशन लाए उनका, बाकी और ऐसी कोई बात नहीं है। नूर मोहम्मद बैठो तुम। सर कहीं लड़का अपनी जान बचाने के लिए पुलिस को तो नहीं फंसा रहा? यार मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर ये लड़का मुजरिम नहीं है। सर इससे तो साबित होता है कि पुलिस ने उसका इनकाउंटर किया है। इस पहलू पर भी गौर कर रहा हूँ, मगर हर बात इसके बरक्स जा रही है। पहली बात ये कि जो मसूद को गोली लगी है वो सरकारी असले की नहीं है। दूसरी बात, पुलिस वालों ने जो उसे मारा है तो वो आबादी वाले इलाके में वर्दी में नहीं आते। तीसरी बात, मुझे शक है कि मसूद को मारने वाला कोई मोटरसाइकिल सवार है। सर ये आप कैसे कह सकते हैं? जब मैं मसूद के वालिद से मिलने गया था तो मैंने उस जगह का बहुत बारीक बिनी से जायजा लिया था। उस जगह से आगे एक पतली गली है और उससे पहले कीचड़ है, और कीचड़ के छींटे दीवार पे ऊपर तक है, यानी कोई बाइक वाला तेज़ी से गली में मुड़ा है, समझ रहे हो? तो सर ये कैसे मुमकिन है कि एक बाइक वाला इतनी पतली गली से बाइक को तेज़ी से कैसे मोड़ सकता है? बताता हूँ। दूसरा, इस गली के इख्तिताम पर मुझे बाइक के इंडिकेटर के चंद टुकड़े मिले हैं, मतलब कि मतलब सर वो बहुत घबराहट में गया है। सही कह रहे हो, यानी वो जिस तेजी से इस गली में बाइक वाला आया है वो उसी तेजी से इस गली से निकलना चाह रहा था। जाहिर है कुछ ना कुछ तो उसने ऐसा किया था जो इस इलाके से जल्द निकलना चाहता था। लेकिन सर इंडिकेटर के चंद टुकड़े और चंद छींटे, उससे हम उसको कैसे पकड़ सकते हैं? ये तो कोई सबूत नहीं हुआ। सही कह रहे हो, लेकिन मेरे पास एक सबूत है, पर उसे ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल है। वो क्या सर? आओ। होता ना
निशान धुंधले होते हैं, लेकिन होते जरूर। और उस दिन मैंने जो वहां निशाना देखे थे वो आधे धुंधले और आधे सही थे। इससे जाहिर होता है कि उस बाइक का टायर एक तरफ से घिसा हुआ था और एक तरफ से नॉर्मल था। और ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। लेकिन सर ये बात मैं समझ गया। वो क्या? क्योंकि सर ये जो नौजवान नस्ल है, ये जब बाइक तेज चलाती है और जब ब्रेक लगाती है तो सर ये आधे टायर तो तभी घिस जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम तो बहुत अक्लमंद हो गए हो। थैंक यू सर। इसका मतलब है कि वो कातिल कोई नौजवान लड़का है और वो जो बाइक है उस नौजवान के इस्तेमाल में। लेकिन सर इन सबूतों से हम उसको साबित नहीं कर सकते कि वो बाइक वाला ही कातिल था। जब यहाँ तक पहुँच गए तो इंशाल्लाह आगे तक भी जाएंगे। तुम एक काम करो। जी सर। मसूद की लाश पर जितने लोग भी खड़े थे ना, तो वो सबको थाने बुलवाओ। ठीक है सर। सर यकदम शक करने की वजह? यकदम शक नहीं हुआ। हाँ वजह यकदम जरूर सामने आई। तुमने देखा मसूद के वालिद ने बाबू की खुद जमानत कराई थी और उसके किरदार की काफ़ी तारीफ की थी। जी सर। लेकिन मसूद की बेवा ने बाबू के हवाले से ऐसी बातें क्यों की थी? सर वो ऐसा क्यों कह रही है? क्या मसूद को वाकई बाबू से खतरा था? मसूद को खतरा था या नहीं था, लेकिन मसूद की बेवा को हमसे खतरा है, तभी तो उसने हमें गुमराह करने की कोशिश की है। सर मैं कुछ समझा नहीं। देखो हो सकता है मेरी सोच गलत हो, पर मुझे लगता है उसने तफ्तीश में इब्तिदा में ही बाबू का नाम लिया ताकि हमारा सारा ध्यान बाबू की तरफ जाए, समझ रहे हो, और उसकी तरफ हमारा ध्यान ना जाए। तो सर आपका कहने का मकसद है कि मसूद की बेवा या उसका कोई बॉयफ्रेंड? वल्ला आलम, कोई भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वसीम अजहर अब काफी मुतमईन नजर आ रहे थे क्योंकि उन्हें ये केस हल होता दिखाई दे रहा था। लेकिन उनकी मेहनत पर रूबीना ने पानी फेरते हुए अपने भाई से बात कराई, जिसका ये कहना था कि ना तो वो कराची आया है और ना ही उसका इस किस्म का कोई इरादा था। हाँ ये हो सकता है वहाँ मौजूद जो शख्स था वो उससे मिलता जुलता हो, या फिर फैसल जो कि काफ़ी अरसे से मफरूर था उसने फंसाने के लिए ये चाल चली हो। क्या कह सकती हूँ मैं, कौन हो सकता है? जिसके बारे में मैंने आपको बताया वो तो आपकी नजर में मौतबर हो गया। हमारे लिए नहीं, मसूद साहब के वालिद की नजर में मौतबर है। उसने उस दिन पुलिस वालों को भी वहां देखा है। ओ हाँ, वो तो एक आम सा आदमी है। आप तो जमाना शनास हैं, शऊर रखते हैं। ऐसा तो नहीं कि वो अपना गुनाह पुलिस वालों पे डाल रहा है। इसकी भी मैं तफ्तीश कर रहा हूँ, मगर उस दिन पुलिस वाले वहां मौजूद थे, लेकिन ये कत्ल उन्होंने नहीं किया। बात कर लें, कोई मसला नहीं। नहीं नहीं, मेरे भाई की कॉल है, मैं बाद में बात कर लूँ। भाई की? कहाँ रहते हैं भाई आपके? ओ सीधी सी बात है, फोन किया है तो कहीं दूर ही रहते होंगे। जी लाहौर में रहते हैं। लाहौर में? अभी भी लाहौर में? जी क्या मतलब? मेरा मतलब कुछ नहीं, वो तो ऐसी बात सामने आई तो मैंने पूछ लिया। आपको बुरा लग गया? जी मुझे बुरा लगा। जब तक मसूद जिंदा थे तो मेरी जिंदगी दरबदर करके रखी थी, मरने के बाद भी सुकून से नहीं जीने दे रहे। इस तरह घूर के मत देखें, बहुत बुरा लगता है मुझे जब आप यहाँ पर आते हैं। ऐसा लगता है कि मैंने कोई गुनाह कर दिया है, कोई जुर्म कर दिया है, बेइज्जती महसूस होती है मुझे। ओके ओके, ज्यादा गुस्सा आपकी तबीयत के लिए सही नहीं है। ओके क्यों, क्या करेंगे आप? हथकड़ी लगाएंगे, जान से मार देंगे? मेरे शौहर को तो आपने मार दिया, मुझे भी मार दे। बड़ी मालूमात है आपको इस बारे में। हाँ क्यों नहीं होगी, मोहल्ले वाले भी गवाही दे रहे हैं और अब तो बाबू भी। बहुत तेज नहीं थी, बहुत बेखौफ औरत थी। देखा नहीं है जरा सी बात पैसा चुगल दिया है। मैं कुछ समझा नहीं सर। एक दिन पहले जो मसूद के मरने पे रो रही थी, आज वो मसूद के दुख देने की किस्से सुना रही है। तो क्या हुआ सर, आप हुक्म दें, लेडी कांस्टेबल भेज के उठा लाते हैं। अभी नहीं, मुझे मैंने बंदे लाने का कहा था, क्या हुआ उनका? सर मैं देखता हूँ,
रजाक को मैंने भेज दिया था। पता करो। ठीक है सर। किसने देखा था मसूद को किसने मारा है? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। मैं तो फायरिंग की आवाज सुनकर आया था। देखो, अभी भी सोच लो, ऐसा ना कि मुझे तुम लोगों की खातिर मदारत करना पड़े। सर, वो फैसल ने देखा है। फैसल कौन? सर, महल्ले का लड़का है, इस्लामाबाद में काम करता है, छुट्टियों पे आया हुआ है, कल चला जाएगा। फैसल ने किसको देखा है? सर, फैसल ने मसूद के साले अकरम को मोटरसाइकिल पे बाजार से जाते हुए देखा है। ये बात उसने तुम्हें बताई है? सर, मुझे भी और मेरे एक दोस्त है उसको भी बताई है। फैसल ने मसूद के साले को देखा है तो उसमें हैरत की क्या बात है? और ये बात ख़ास तौर पर उसने तुम्हें क्यों बताई है? सर, पहली बात तो ये है कि वो कराची में नहीं रहता, दूसरी बात ये कि उसका अक्सर और बेशतर फड्डा मसूद भाई से होता रहता है। मसूद की किस बात पर लड़ाई हुई थी तुम्हें पता है? नहीं सर, ये मुझे नहीं पता। इसकी बहन को जब से मसूद ने तलाक दी थी उसके बाद 2-3 दफ़ा इन लोगों की आपस में बुरा भला कहा इन लोगों ने एक दूसरे को, और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनकी हाथापाई भी हुई। लेकिन ये सब कुछ हमारे एरिया में नहीं, ये हमारे करीबी एरिया में हुआ था दूसरे। उसके बाद पता नहीं वो इस्लामाबाद चला गया या लाहौर, लेकिन ये भाई लोग बताते हैं कि वो अभी कराची में। जी, मोहल्ले वालों से बात की तो वो भी यही बात करते हैं कि मियाँ बीवी में पहले बहुत प्यार था आपस में, फिर अचानक ही इनके इख्तलाफात शुरू हुए, और इख्तलाफात की वजह भी उसकी वाइफ थी जो थोड़ी ज़िद्दी थी, इसी इख्तलाफ की बिना पर उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, और इस तलाक की वजह से उसका साला जो है वो वहाँ पहुँचा और उसने अपने बहनोई को हलाक किया। वसीम अजहर अब असली कातिल तक पहुँचने वाले हैं, लेकिन अभी भी उन्हें काफ़ी मसाइल दरपेश हैं। वो ये कि वो अकरम तक पहुंच नहीं पा रहे, लिहाजा उन्होंने अपने मुखबरों की मदद ली और उस जगह की तस्दीक कराई जहां पर अकरम मौजूद था। सर, सर ये CPLC की रिपोर्ट है। क्या बताया CPLC वालों ने? सर, मुझे तो कुछ नहीं बताया, अलबत्ता लिफाफे की तरफ कुछ इशारे बताए। नूर मोहम्मद, मुबारक हो, हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। सर, क्या लिखा है इस रिपोर्ट में, मुझे भी तो बताएं। इसमें लिखा है मसूद का जो साला अकरम है वो लाहौर में नहीं, कराची में। तो सर, देर किस बात की है, जगह बताएं, अभी उठा के ले आते हैं। जल्दी मत करो, रात का इंतज़ार करो। ठीक है सर। इसकी हमने बहुत तलाश की मुलजम की। शाह फैसल कॉलोनी के मुख्तलिफ इलाकों में रेड किया था, जहाँ भी हमें शक हो रहा था कि यहाँ पे ये मौजूद है, जिसमें जैसे रेता प्लाट है, शाह फैसल कॉलोनी के दूसरे इलाके हैं वहाँ भी रेड किया, लेकिन वो दस्तयाब नहीं हो सका। फिर हम कैदाबाद के इलाके में गए, वहाँ से जाके मालूमात वगैरह ली, लेकिन वहाँ भी मिला नहीं, कहीं अंदर ही छुपा हुआ था। मैं और भाई हर मसले में एक साथ अब्बू के साथ खड़े हो जाते थे, अब मैं उनके बाद बिल्कुल अकेली हो गई। जालिमों ने ये भी नहीं सोचा कि हम पांच बहनों का एक भाई था। हम तो इंसाफ चाहते हैं, उसको भी गिरफ्तार किया जाए, जो मुझे धमकियां दे रहा है उनका बाप, जिसने मेरे पे गन रखी है उसको भी अरेस्ट किया जाए, उसकी भी FIR कटाई हुई। FIR कटने का मकसद क्या है?
FIR कट जाए, बंदा मौजूद उसका अरेस्ट करो। 302 PPC के तहत FIR दर्ज हुई और उसी के तहत ही जो है ये कार्रवाई हुई, मुकम्मल हुई। मेरा मैसेज यही है कि जो जुर्म करता है उसकी सज़ा उसने पानी है, तो कातिल कभी ना कभी लाजमी पकड़ा जाता है, क्योंकि कत्ल ना कत्ल कभी छुपता नहीं है, वो उसको कानून के कटहरे में जो है वो लाया जाता है लाजमी। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम अकरम ने वसीम अजहर को बताया कि जिस दिन से मसूद ने उसकी बहन को तलाक दी थी उसी दिन से वो मौके की तलाश में था, और एक दिन एक ऐसी गोली थी जो कि मसूद के नाम की लिखी हुई थी। कातिल चाहे जितना भी होशियार और शातिर क्यों ना हो, लेकिन कानून से बच नहीं सकता। फीडबैक के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, khoji@sama.tv, और आप हमें अब अपना फीडबैक फेसबुक और ट्विटर पर भी भेज सकते हैं।